दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में चढ़ाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चांदी का एक छत्र और रुमाल सौंपा है। इसी को लेकर के हमारी संवाददाता फराह खान ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा से बात की। इस वक्त हमारे साथ DPCC के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी हैं। आपने अभी मनमोहन सिंह जी से मिले, तो किस चीज़ पर मुलाकात हुई? हम लोगों ने जो श्रद्धा है हमारी गुरु के प्रति, उस भावना को लेके हमने रुमाला और एक छतर मनमोहन सिंह जी को दिया कि हमारी तरफ से, दिल्ली वासियों की तरफ से उसको भेंट चढ़ाया और उनके चरणों में रखे, और यही कामना के साथ कि दिल्ली वासी और देशवासी उनके परिवार के अंदर सुख समृद्धि आए। सर, नवजोत सिंह सिद्धू को भी जाना, इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या स्टैंड है? मैं ये समझ, मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि कंट्रोवर्सी किस बात की। मैं गुरु का बेटा हूँ, नवजोत सिंह गुरु के बेटे हैं, क्यों रोका जाए हमें? अपने गुरु, अपने भगवान के आगे शीश झुकाने में भी रोका जाए तो मैं समझता इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी, दिस शुड बी अबाउट पॉलिटिक्स। द वेरी द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स इन इट, क्वेश्चन इज कि मैं, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे ये शरीर दिया, अगर मैं उसके चरणों में नहीं आशीष झुकाऊं तो किसके चरणों में शीश झुकाऊं? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं फराह खान, R9 TV दिल्ली।